आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों में जहां एक तरफ हलचल बढ़ गई है, तो वहीं प्रत्याशियों के भी अपने अपने जीत के वादे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के 3 बार विधायक रहे सतीश वर्मा से आज हम खास बातचीत करेंगे और जानेंगे भविष्य में बीएसपी सरकार बनने के बाद उनकी रणनीति क्या है, कौन कौन से विकास कार्य करेंगे और अब तक उन्होंने क्या कुछ योगदान दिया है अपनी विधानसभा में। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश वर्मा जी, जो कि बीएसपी से विधायक रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। और जिस तरह चुनावी माहौल है, कई दावे और वादे किए जा रहे हैं, तो बीएसपी कौन कौन से दावे वादे करते हुए नजर आ रही है इस वक्त? बीएसपी जनहित का काम करती है और पिछली सरकारों में जैसे काम हुए हैं, कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से ठीक से रखा गया है। जाति धर्म का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है जी। तो हमारी पार्टी उन्हीं मुद्दों को लेकर काम करेगी। सतीश जी, इस वक्त जो आपकी विधानसभा है, उसके हालात कैसे हैं? जो मौजूदा वक्त में विधायक है, उनके द्वारा 5 साल में क्या काम किए गए हैं और उन कामों को देखते हुए क्या जनता परिवर्तन चाहती है? विधायक द्वारा जमीनों को विभाजित कर उनसे पैसा कमाया गया है, कब्जा किया गया है और कोई मत ऐसा नहीं रहा है जिसमें विधायक द्वारा कमीशन नहीं दिया। यानी भ्रष्टाचार चरम पर है और इसको खत्म करने के लिए अगर आपकी सरकार बनती है, जनता आपको समर्थन देती है, तो सत्ता में आने के बाद, अपनी विधानसभा संभालने के बाद आप क्या कुछ कार्य करेंगे? भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मैंने पहले भी पूरे प्रयास करता रहा हूं जी। और मैं 2002 में पहली बार विधायक बना था। आज मेरी लोकप्रियता इसीलिए है कि मैं जनकल्याण को ध्यान रखते हुए सारे काम करता हूँ और आज की तारीख तक भ्रष्टाचार का एक पैसे का आरोप उस पर नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। जी, तो लोकप्रियता आपकी है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए और राजनीति में आए तो आपने बीएसपी का दामन ही क्यों थामा? राजनीति में आने का मेरा सबसे पहला कारण यह रहा कि लोगों को प्रताड़ित होते देखकर और राजनीतिक लोगों द्वारा जो प्रताड़ना लोगों के साथ की जाती थी जी। उसका मैं शिकार तो नहीं हुआ, परंतु मुझे लगा कि राजनीतिक व्यक्ति समाज के लोगों को, संभ्रांत लोगों को ऐसे प्रताड़ित करते हैं, उनके अंदर ये पावर है तो मुझे भी उस पावर के साथ चलना चाहिए और राजनीति लोकतंत्र में सर्वोपरि है, इसलिए मुझे भी उसके साथ रहना चाहिए जी। सतीश जी, आपकी विधानसभा में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे निजात चाहती है जनता, तो उसके लिए क्या कुछ काम करेंगे आप? हमारी विधानसभा में मेन समस्या जो जनकल्याण का ध्यान नहीं रखा गया है, लोगों को प्रताड़ित किया गया है जी। कोई घर बना रहा है, जमीन को किसी को भेजकर थाने में एप्लीकेशन भेज दी गई कि विवादित कर दिया गया और वैसे धन उगाही की गई है जी। विकास के बारे में लगभग सड़कें हमारे यहाँ लगभग ठीक है, कुछ है उनको मैं पूरा कराऊंगा। और मेन समस्या केवल जो जनकल्याण की योजनाएं हैं, जैसे गेहूं की खरीद हुई, धान की खरीद हुई, उसमें कमीशन के अलावा कोई काम नहीं हुआ, आम जनमानस का कोई भी खरीदारी नहीं हुई। रोज आमद तो 700-800 क्विंटल दिखाई गई, मगर जनता से कुछ नहीं लिया गया। इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं पहले भी राजनीति में रहा हूं और आज भी राजनीति में, इसीलिए जी। सतीश जी, अगर बसपा के शासनकाल की बात करी जाए तो सख्त एक्शन के लिए जानी जाती थी बसपा, और इस वक्त भी आप बता रहे हैं कि काफी धन उगाही हो रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है आपकी विधानसभा में, तो ऐसे में बीएसपी आएगी तो क्या बीएसपी की नीतियों पर आप चलेंगे या आपकी भी कोई अलग ही नीतियां हैं उन पर काम करेंगे? नहीं, सर्वप्रथम बीएसपी की नीतियां हैं, परंतु हर नीति समाज में पार्टी के द्वारा नहीं बनाई जा सकती है जी। समाज में जो लोग रहते हैं उनकी नई नई समस्याएं रोज जन्म लेती है, बिल्कुल। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पर्सनल व्यक्तिगत भी समाधान करने के तरीके रहे हैं,
और जो हमारे 20 साल के कार्यकाल में पहले भी रहे। जी, तो काफी लंबे समय से आप राजनीति में हैं और जनता की समस्याओं को देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं, वोट की अपील करते हैं और चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। तो जनता चाहती है कि कोई अपना प्रतिनिधि हो जो कि दुख सुख में साथ रहे। तो आपको क्या यही सब देख के जनता इस बार जिता सकती है? हमारा समर्थक कभी भी निराश नहीं होता है, मुलाकात के लिए या अपने सहयोग के लिए। मैं लगभग लगभग अपने विधानसभा में 3-4 दिन, हफ्ते में 3-4 दिन, 5 दिन जरूर रहता हूं और जन कल्याण की समस्या या जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ साथ उनके साथ बैठक भी करता हूं और उनका सहयोग भी। जी सतीश जी, आपने अपने विधानसभा के लिए अभी तक क्या कुछ विकास कार्य किए हैं? हमारी विधानसभा में लगभग लगभग सड़कों का जो जाल बिछा हुआ है जी, उसमें मेरा योगदान हर किलोमीटर पे है। जी, तो जिस तरह से बीजेपी के शासनकाल में जो विकास कार्य हुआ था, क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है या फिर जैसा बीएसपी छोड़ के गई थी उसके बाद सपा सरकार आई, अब बीजेपी सरकार है, तो क्या वैसे का वैसे ही रुका हुआ है विकास? क्योंकि बीजेपी तो बात करती है कि काफी विकास किया गया है, आप बात कर रहे हैं कि काफी धन उगाही हो रही है, भ्रष्टाचार है, तो ऐसा सड़कों में भी देखने को मिलता है या कुछ विकास हुआ है सड़कों का? बीएसपी के समय की बनी हुई सड़कों पर रिन्यूअल करके अपने बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिए है, बाकी नई सड़कों का कोई निर्माण नहीं। अगर स्कूलों की बात करें और अस्पतालों की बात करें तो वहां की हालत कैसे देखने को मिल रही है और उसमें क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? स्कूल में अगर शिक्षा, बेसिक शिक्षा जो सरकारी स्कूल है उनकी शिक्षा ठीक, गरीब आदमी पब्लिक स्कूलों की फीस नहीं भर सकता है जी, परंतु उसका बहुत दयनीय हाल है। और यहाँ तक हमारे अस्पताल जो भी है जो सरकार द्वारा संचालित है वहां भी कमीशन खोरी है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कहीं भी आप शिकायत करिए, सीएमओ का करिए चाहे मंत्री को करिए, शिकायत होती है अगर तो जिले की हम शिकायत करेंगे तो यही के सीएमओ के पास उसकी जांच आ जाएगी। जी, तो यानी कि शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो जब आप सत्ता में आते हैं तो ऐसे लोगों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पे क्या एक्शन लेंगे? एक्शन तो उन पर लेंगे ही, और हमारे पिछले कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ है जी। जिस तरीके से उनको समझाया जाएगा, जिस तरीके से मानेंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा और जन कल्याण के साथ उनको खड़ा रहना ही पड़ेगा। जन कल्याण के मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और विकास के मुद्दे भी हैं, और क्या कुछ बीएसपी के द्वारा किया जाएगा? जिस तरह से इस बार उम्मीदवारों को उतारा गया है, क्या रणनीति के साथ उतारा गया है? बीएसपी ने सभी हर समय सर्व समाज की बात की है, सर्वजन हिताय, सर्वजन हिताय हमारा ही नारा था और इसी मुद्दे को लेकर हम चलेंगे। यहाँ 20 और 80 का कोई स्थान नहीं रहेगा। हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जहां भी लोग रहेंगे उनको जो व्यवस्थाएं हैं सब समान रूप से होनी चाहिए। किसी को बंटवारा करके 20% और 80% का मुद्दा कोई नहीं रहा। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर हम लोग कायम रहेंगे। सतीश जी, इस बार के चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच टक्कर है, तो ऐसे में दोनों ही दावेदारी कर रहे हैं कि 300-350 के पार सीटें आएंगी, तो बीएसपी का क्या मानना है? बीएसपी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, उनके जो समर्थक है उनको जिता के कितनी सीटें दिलवा सकते हैं? अब इसके बारे में तो 10 तारीख ही बताएगी, परंतु हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा कि समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर हो। 10 मार्च इसकी गवाही देगा कौन कितने पानी में रहेगा। जी, तो अगर भाजपा या फिर सपा का कोई प्रत्याशी आता है तो आपको क्या लगता है आपकी विधानसभा में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आप जीत कर आते हैं तो कौन कौन सी सुविधाएं जनता को मिल सकती हैं? समाजवादी की सरकार भी रही है तो वो तो किस रूप में गिनी जाती है, तो वो तो गुंडों की सरकार ही गिनी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोगों को उम्मीद थी मगर कोई नहीं हो कि जो बिठाया जा सके जी। हमारी सरकार में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुख, बहन कुमारी मायावती जी का एजेंडा ही है
किसी भी स्तर का हो उसके समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार हमारे जनप्रतिनिधि हरदम आगे बढ़कर हिस्सा लेगी। जी सतीश जी, महिलाओं को लेकर इस बार कांग्रेस भी चल रही है और जो सपा और बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, तो महिलाओं की शिक्षा पे बात हो या फिर उनकी सुरक्षा पे बात हो, तो सभी इस ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बसपा का क्या कहना है? बसपा महिलाओं को लेकर कितना सतर्क नजर आ रही है और आने वाले चुनावों को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई है? हमारी तो सर्वोच्च नेता ही महिला है और वो महिलाओं का कल्याण नहीं करेंगी, उनकी प्राथमिकता पहले से ही महिलाओं के कल्याण के लिए है और जो हमारी सरकार में पहले भी दिखाया गया जी। और किसानों के बारे में क्या सोचती है बसपा, क्योंकि इस बार किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, हर पार्टी किसानों को साधने में लगी हुई है। किसानों के बारे में हमारी सरकार आएगी और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी तो उनकी समस्याओं का पूरी तरीके से समाधान किया जाएगा, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जाएगा और उनको उनके अधिकार दिलाए जाएंगे। जी बिल्कुल, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? चुनावी समय है और ऐसे में सभी कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता से, क्या देखकर चुनाव में वोट करना चाहिए अपना? जनता जनकल्याण के लिए हमें आशीर्वाद देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राइम चर्चा में। और आज की प्राइम चर्चा में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के 3 बार के विधायक रहे सतीश वर्मा जी जुड़े थे, जिनसे हमने खास बातचीत की, जाना कि उनकी विधानसभा में क्या कुछ परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, उन्होंने बताया काफी धन उगाही होती है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं और उनकी परेशानी दूर करने के लिए ही वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। तो सतीश वर्मा जी ने बताया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और जनता का तो समर्थन मिल ही रहा है और सभी वर्ग समाज के बारे में सोचा जा रहा है। फिलहाल आज की प्राइम चर्चा में इतना ही, अगली प्राइम चर्चा में किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।